सब्सक्राइब कीजिए आरसीएमटी को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों, फोन हमारे पास कोई भी हो, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, शाओमी, कोई भी मोबाइल हो, कुछ टाइम यूज करने के बाद एक प्रॉब्लम हमेशा आती है, वो है इंटरनल स्टोरेज की। वो इतना जल्दी भर जाता है कि जब भी हम एक या दो मूवी लेते हैं तो फ़ोन जो है ऊपर आपको कुछ इस तरह की नोटिफिकेशन दिखाता है कि स्टोरेज रनिंग आउट ऑफ स्पेस, आप खाली कीजिए, डिलीट कीजिए, लेकिन हमें डिलीट करने को कुछ मिलता नहीं है। तो ये दिक्कत तब आती है जब बहुत सारी फाइलें, जंक फाइलें हैं, कैसे फाइलें हैं, वो फ़ोन में इकट्ठी होती रहती हैं और हमें उनका पता नहीं लगता। लेकिन आज की वीडियो में आपको ऐसी एक सेटिंग बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप उन सभी अननेसेसरी फाइल को डिलीट कर पाएंगे, अपने फ़ोन को फास्ट कर पाएंगे और साथ ही अपने फ़ोन का जो इंटरनल स्पेस है वो आप बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको फोन की सेटिंग में आना है। ये हर एक फोन की अलग अलग हो सकती है, शाओमी की अलग हो सकती है, सैमसंग की अलग होती है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन जो है कॉमन मिलेगा, वो है स्टोरेज का। और जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ नीचे एक तो ऑप्शन देख सकते हैं क्लीनर का, और यहाँ ऊपर आपको कई और ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि एप्लीकेशन ने कितना स्पेस लिया हुआ है, फोटो, पिक्चर और कैशे फाइल जो है वो कितनी है। तो अगर आप यहाँ पर मेरे केस में देखेंगे तो कैशे फाइल 2.42 GB की है, यानी 2.5 GB के लगभग ये कैशे फाइल हैं जो मेरे फ़ोन में पड़ी हुई हैं। ना ये फ़ोटो हैं, ना ये एप्लीकेशन है और ना ही कुछ और जो मेरे काम का हो। ये वो कूड़ा कचरा है जो फ़ोन में इकट्ठा होता रहता है। तो आप यहां से इस पर डायरेक्ट क्लिक करके इसे क्लियर कर सकते हैं। और नीचे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है क्लीनर का, तो आप यहां से अपने फ़ोन को क्लीन कर सकते हैं बिल्कुल। देखिए, जो ऑब्सोल्यूट फाइल होंगी, पैकेज होगा या रेजिडुअल होगा आपके फ़ोन का, वो सभी आपको बहुत ही अच्छी तरह से एनालाइज करके आपका फ़ोन यहाँ पर दिखा देगा। तो नए जो फ़ोन आए हुए हैं लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 7 पर या 8 पर काम करते हैं, उन सभी में ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। साथ ही देखिए, अगर आप यहाँ ऊपर ऑप्शन देखेंगे तो डीप क्लीन का ऑप्शन भी आ जाता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट एक एक फाइल कितना स्पेस ले हुए है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, शेडिट मेरा 515 MB ले हुए है, YouTube 303 MB लिए हुए हैं, और यहाँ पर देखिए जो बड़ी फाइलें हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, जैसे जैसे मूवी है ये, फिर या फिर आप यहाँ देखिए मेन पॉइंट, ये ऐसी ऐसी फाइलें आपको मिल जाएंगी जो आप यूज नहीं करते और आपको डिलीट कर देनी चाहिए। तो आप यहाँ से भी वो फाइलें जो है डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लीन नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको कौन सी फाइल डिलीट करनी है। ये देखिए, मुझे अभी ये जो 890 वाली मैं डिलीट करता हूँ, तो यहाँ से आप उसे आराम से डिलीट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ सेटिंग की बात। कई बार होता है कि हमारा फ़ोन जो है लेटेस्ट एंड्रॉयड पे नहीं है और आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता, तो ऐसे में आप एक एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी मदद से आप वो काम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम ES फाइल मैनेजर या एक्सप्लोरर है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में टॉप में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर डायरेक्ट अवेलेबल है। तो जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो यहां पर आपको इंटरनल स्टोरेज दिया, अगर आप मेमोरी कार्ड यूज करते हैं तो राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा, और उसके साथ ही आपको एक एनालाइज का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप सिंपली उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और यहां पर वो सारी फाइलों को डीप तरीके से एनालाइज करेगा आपके फोन में क्या क्या पड़ा हुआ है। सब कुछ एनालाइज होने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर देखिए ऑल फाइल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा और इतना डीप स्कैन किया गया है कि हर एक फोल्डर ने कितना स्पेस लिया हुआ है आपको यहाँ पर मिल जाता है। जैसे मेरे एडीएम में 3 GB पड़ा हुआ है, वीडियो में 2.2 GB पड़ा है, एंड्रॉयड में 1.3 GB पड़ा है, यानी हर फोल्डर में जितना भी डाटा पड़ा हुआ वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। और बेस्ट पार्ट जो मुझे इस एप्लीकेशन का लगा, आप यहाँ से उसे डिलीट भी कर सकते। तो जैसे ही मैं देखिए DICM पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए थंबनेल के नाम से एक 105 MB की फाइल मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है। तो कैमरे में तो मैं मानता हूँ चलिए कि वहाँ पर फोटो होंगी और वीडियो होंगी, लेकिन यहाँ देखिए डॉट थंबनेल है और ये फोल्डर ना तो आपको मीडिया में दिखाई देगा, ना ही फोटो में, ना ही वीडियो में, क्योंकि ये फोल्डर जो है हिडन होगा आपके फ़ोन में। लेकिन इस एप्लीकेशन की मदद से आप इसे भी निकाल सकते हैं और इसे डिलीट कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपके फ़ोन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपका जो स्पेस खाली हो जाएगा। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये रिसाइकिल वाला बटन यहाँ से हटा दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा और ये जो है डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके फ़ोन में हज़ारों फोल्डर मिलेंगे जो काम के नहीं हैं और आप उन्हें हटा सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से और अपने फ़ोन का स्पेस बढ़ा सकते हैं। तो देखिए मेरे पास जो है GB व्हाट्सएप है और उसमें 694 MB वैसे ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मीडिया में चलिए मानता हूँ इसमें वीडियो होंगी, लेकिन डाटाबेस में इतना स्पेस अच्छा नहीं है। तो डाटाबेस में आप देखिए 200 MB ऐसे ही ख़राब पड़ा है। और मैं आपको बता दूँ, ये डाटाबेस वो होता है जब भी व्हाट्सएप बैकअप लेती है हर रोज़ का, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाता है, डेली का डेली यहाँ स्टोर होता रहता है। और ये अगर आप 10-15 दिन से छोड़ देंगे तो कम से कम 2 से 2.5 GB ये बन जाता है। तो आप इसे ज़रूर से डिलीट कर दीजिएगा।
उसके बाद आप हर एक छोटी से छोटी फाइल और बड़ी से बड़ी फाइल अपने फ़ोन में चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा फोल्डर कौन सी फाइल कितना स्पेस घेरे हुए है बहुत ही आसानी से। दोस्तों ये थी सेटिंग और एक एप्लीकेशन जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को क्लीन कर सकते हैं और स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक जरूर कर दीजिएगा और भी ज़्यादा पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसी वीडियो डेली आती रहती हैं और थोड़ी सी पसंद आती है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। मैं फिर आपसे मिलता हूँ एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।